नमस्ते दोस्तों, बुक्स बिलीवर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ पीपल, डेव करपन द्वारा लिखी किताब है। यहां 11 आसान टिप्स दिए गए हैं जिनकी मदद से आप एक अच्छा इंसान बनने की कला में महारत हासिल कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान टिप्स हैं जिन्हें हम अक्सर मिस कर देते हैं, लेकिन यही छोटी छोटी बातें हमें औरों से अलग बनाती हैं। अपने आप को बेहतर समझने के लिए, एक अच्छा श्रोता बनने के लिए, दूसरों को प्रेरित करने के लिए, उन्हें वांटेड महसूस कराने के लिए, एक नेता की तरह उनका नेतृत्व करने और लोगों में खुशी बांटने के लिए, ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके हम लोगों को समझने में महारत हासिल कर सकते हैं। क्या आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं? क्या आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया आपकी दीवानी हो? क्या आप चाहते हैं कि सब आपको फॉलो करें और आपकी हर बात को माने? तो आज की समरी आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आज हम एक ऐसे आर्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो दुनिया के सबसे सफल लोगों में पाई जाती है। कैसे वो लोगों को हैंडल करते हैं, कैसे वो लोगों से बात करते हैं, कैसे वो लोगों को इम्प्रेस कर जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो हमें एक बेहतर इंसान बनने की कला को मास्टर करना सिखाने वाली है। हम बात कर रहे हैं द आर्ट ऑफ पीपल किताब की। ये किताब डेव करपन की लिखी हुई एक ऐसी गाइडलाइन है जो बताती है कि अपनी लाइफ के कुछ सबसे महत्वपूर्ण लोगों और रिलेशंस को कैसे मैनेज किया जाए। लोग हमारी लाइफ में मैटर करते हैं, और वो लोग आपकी जॉब, करियर, लाइफ और रिलेशनशिप्स के मैनेजमेंट में या किसी भी चीज़ से ज़्यादा अहमियत रखते हैं। ये किताब डेव करपन की लिखी हुई एक ऐसी गाइडलाइन है जो बताती है कि अपनी लाइफ के कुछ सबसे महत्वपूर्ण लोगों और रिलेशंस को कैसे मैनेज किया जाए। लोग हमारी लाइफ में मैटर करते हैं, और वो लोग आपकी जॉब, करियर, लाइफ और रिलेशनशिप्स के मैनेजमेंट में या किसी भी चीज़ से ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अध्याय एक, खुद को और दूसरों को समझने का लक्ष्य बनाएं। आर्ट ऑफ पीपल में सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और इससे पहले कि आप किसी और को समझ पाएंगे, अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आपको जल्द एक्शन लेने चाहिए, और जितना जल्दी पॉसिबल हो आपको खुद को समझने की कोशिश करना होगा। हर कोई अलग अलग कैटेगरीज में आता है, और दूसरे को समझने से पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप कहाँ फिट होते हैं। ये समझना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप लोगों के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, और दूसरे के साथ आपके संबंध कैसे हैं। अध्याय दो, सही लोगों से मिलने पर ध्यान दे। नेटवर्किंग के लिए एक साधारण सा तरीका है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। भीड़ से बाहर खड़े होकर आप चाहते हैं कि लोग आपको नोटिस करें। ऐसे लोगों से भरी हुई एक जगह में जहां हर कोई नोटिस किया जाना चाहता है, आपके पास डिफरेंस क्रिएट करने के लिए एक पॉइंट होना चाहिए। अध्याय तीन, दूसरों को पढ़ना सीखे। हमने पहले से ही दूसरों को सुनने की अहमियत पर बात की है, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि सुनना केवल कानों द्वारा सुनना नहीं है। किसी को वकाई में सुनने के लिए आपको उस पर ध्यान देना होगा कि सामने वाला इंसान क्या कह रहा है। आपको ये समझने के लिए एक जागरूकता की ज़रूरत है कि वो क्या कह रहे हैं और इसका क्या मतलब है। इस बात पर फोकस करें कि उनके लिए क्या ज़रूरी है और क्यों। किसी भी क्षण में सुनने का मतलब है इस बात की देखभाल करना कि सामने वाला इंसान क्या कह रहा है। अध्याय चार, लोगों से कनेक्ट करना सीखे। लोगों से कनेक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है वैलिडेशन। हालांकि वैलिडेशन मुश्किल हो सकता है, खासकर जब आप किसी दूसरे इंसान से सहमत नहीं होते हैं। वैसे ये याद रखना ज़रूरी है कि वैलिडेशन और किसी बात से सहमत होना एक बात नहीं है। वैलिडेशन के लिए आपको दूसरे व्यक्ति को यह दिखाने की ज़रूरत है कि आप वास्तव में उनकी परवाह करते हैं और वे क्या कह रहे हैं। अध्याय पांच, लोगों को प्रभावित करने पर ध्यान दें।
आप वाकई में प्रभावशाली होना चाहते हैं, आप लोगों को अपने विचारों के साथ चलने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने अच्छे से अपना ग्राउंडवर्क कर दलिया है तो अपना आइडिया पिच करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। जब तक आप उसके लिए नहीं पूछते जो आपको चाहिए, तब तक आपको वो नहीं मिलता है जो आप चाहते हैं। लोग नहीं शब्द सुनने से बहुत डरते हैं, चाहे ये किसी भी बारे में हो, लेकिन अगर आप पूछ ही नहीं रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से उत्तर देने के लिए एक नहीं ही होगा। इसलिए डरे नहीं और सवाल पूछे। अध्याय 6, बदलती सोच सिर्फ प्रभावित करने के लिए। दूसरे के दिमाग को बदला ना करें, बल्कि अपने खुद के माइंडसेट को बदलें। अपनी मानसिकता को बदलें, किसी और की मानसिकता के बदलने तक प्रतीक्षा करने से बेहतर है। डींग मारना बहुत फायदेमंद हो सकता है जब तक आप विनम्र और ऑथेंटिक हैं। सोशल मीडिया पर अपनी उपलब्धियों को शेयर करते समय आपको डरना नहीं चाहिए। इसके साथ साथ आप ऑथेंटिक और रियल बनने की कोशिश करें। अध्याय 7, खुद एक शिक्षक बने। दूसरों को बताना कि कोई काम कैसे होता है और खुद वो काम करके देखने में बहुत फर्क है। ये मैटर नहीं करता कि आपके छात्र कौन हैं, लेकिन चीजों को खुद करके दिखाना लॉन्ग टर्म में फायदेमंद होता है। एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए आपको सब्र का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जो लोग सब्र करते हैं वो किसी को भी किसी भी चीज के बारे में सिखा सकते हैं। अध्याय 8, नेता बने। टीम में कोई मैं नहीं होता, बल्कि नेतृत्व में मैं होता है। इतने सारे लोग बिना किसी फॉर्मल टीचिंग या कोचिंग के लीडर बन जाते हैं। हम आपके साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर कर रहे हैं जिन पर अच्छे नेताओं को हमेशा ध्यान लगाने की जरूरत है, जैसे अपनी टीम के विजन को पहचानना और उस विजन को अपनी टीम के साथ स्पष्ट रूप से बताना। दूसरा, ये सुनिश्चित करें कि टीम में सही इंसान सही रोल निभा रहे हैं। तीसरा, ये पक्का करना कि आपके मनचाहे लक्ष्य को हासिल करने के लिए अच्छे खास पैसे और उपलब्ध संसाधन हो। अध्याय 9, कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाना सीखें। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को एंजॉय नहीं करता है, इसलिए जब भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है आपका यह सोचना महत्वपूर्ण है कि इसे कैसे प्रभावी रूप से हल किया जाए। ये नियम आपके किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट पर या दो लोगों के बीच हुए कॉन्फ्लिक्ट पर, दोनों पर लागू होता है। आपको लोगों को शांत करने की जरूरत है। यहां हमें कोई विजेता नहीं ढूंढना है, बल्कि एक ऐसा समाधान ढूंढना है जो लोगों के लिए काम करें। अध्याय 10, लोगों के लिए प्रेरणा बने। याद रखिए कि ये सब आपके बारे में नहीं है। चाहे आप 3000, 300, 30 या 3 ऑडियंस से बात कर रहे हैं, तो आपकी विश यही होनी चाहिए कि उन्हें इंस्पायर कैसे करें। यदि आपकी आशा उन्हें प्रेरित करने की है, तो आपका मटेरियल और आपकी डिलीवरी उनके बारे में होनी चाहिए कि किस तरह से वो ग्रो कर सकते। बहुत से लोग अपने खुद के एजेंडा में फंस जाते हैं और खुद पर और अपने प्रोडक्ट पर ज्यादा फोकस करते हैं। अध्याय 11, लोगों को खुश रखें। आखिरी टिप यह है कि आपको लोगों को खुश रखने की जरूरत है। आप क्रिएटिव तरीकों के बारे में सोचें जिससे आप अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण लोगों को सरप्राइज कर सकें और खुशी को प्रमोट कर सकें। आप अपने कर्मचारी, सहकर्मी, मित्र और परिवार पर ध्यान दें। हर दिन किसी को खुशी देने की कोशिश करें और उन्हें सरप्राइज करें, फिर चाहे वो एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट ही हो या फिर छोटा सा मजाक ही क्यों ना हो, क्योंकि छोटी चीजें काफी दूर तक जाती हैं। तो दोस्तों, ये रहे वो 11 आसान टिप्स जिनकी हेल्प से आप एक अच्छा इंसान बनने की कला को मास्टर कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान और नॉर्मल टिप्स हैं जिन्हें हम अक्सर मिस कर देते हैं, लेकिन यही छोटी चीजें हमें औरों से अलग बनाती हैं। खुद को बेहतर तरीके से समझे, एक अच्छा सुनने वाला बने, दूसरों को इंस्पायर करे, उन्हें वांटेड फील करवाए, एक लीडर की तरह उन्हें लीड करे और लोगों में खुशियां बांटें। ये सब ऐसी चीज है जिन्हें फॉलो करके हम लोगों की कला को मास्टर कर सकते हैं। और ये सब करने के लिए हमें कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा कदम उठाने की देरी है। और सुनिश्चित करें, आप में से हर कोई इस कला को मास्टर कर सकता है।
बस एक छोटे से कदम से शुरुआत करें।